नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं साथियों लेक्चर नंबर साथियों 34 में। साथियों आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। साथियों आइए साथियों हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। साथियों क्वेश्चन में क्या 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 कह रहे हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड, द नंबर ऑफ फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड। साथियों जो पत्ते होते हैं द कार्ड जिसे जो खेलते वगैरह भी है कार्ड के तौर साथियों 52 कार्ड होते हैं। ठीक है साथियों 52 कार्ड इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एग, साथियों एग क्या इक्का जो होता है ना कार्ड में कितने इक्के होते हैं साथियों, इक्के होते हैं 4 होते हैं, कितने होते हैं साथियों 4 इक्के होते हैं। ठीक है साथियों इन इच कॉम्बिनेशन साथियों, ठीक है 4 इक्के होते हैं। ठीक है साथियों और टोटल टोटल अदर कार्ड कितने बचे साथियों, अदर कार्ड बचते हैं हमारे 48। ठीक है साथियों अदर कार्ड हमारे कितने 48। साथियों देखिए अब यहाँ पे टोटल कार्ड्स कितने 4 हैं, 4 इक्के में से अपन एक इक्का लेंगे। ठीक है साथियों और हमें कार्ड कितने बनाने 5 है, कितने कार्ड है 5 कार्ड हमें करने हैं। साथियों यहाँ पे कितना जाएगा 48 हो जाएगा, ये 5 कार्ड्स है ना साथियों, तो हमारा 1 ये हो चुका 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है साथियों 4.5। साथियों इनके बीच में क्या आएगा साथियों आपको पता है, अगर एंड होगा तो क्या होगा साथियों मल्टीप्लाई, अगर और है साथियों क्या होगा इनके बीच में प्लस होगा। साथियों यहाँ पे कहीं भी क्या और है आपको देखिए और नहीं है तो हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। साथियों आपको साथियों जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें हर क्वेश्चन से आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला साथियों आपको लिखना है, आप लिख दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है एनसीआर साथियों इक्वल टू में होता है हमारा एन फैक्टोरियल, अपन साथियों क्या होता है आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है साथियों लास्ट में क्या है साथियों फैक्टोरियल है। ठीक है साथियों यहाँ पे फैक्टोरियल लास्ट में। ठीक है साथियों अब हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब हम क्या करेंगे इसे पुट कर देंगे, क्या जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल अपन में साथियों क्या जाएगा हमारा आर कितना है 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 क्या साथियों फैक्टोरियल दिया गया। साथियों अब देखिए आप यहाँ पर कितना जाएगा 48, यहाँ पे कितना जाएगा साथियों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा 48 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्या जाएगा साथियों 48 फैक्टोरियल की जगह साथियों फैक्टोरियल की जगह साथियों क्या लिख सकते हैं हम लिख देंगे फैक्टोरियल, अपन में क्या लिख देंगे हम आर कितना है हमारा 4 फैक्टोरियल 48 माइनस साथियों क्या जाएगा 4 फैक्टोरियल। साथियों हम क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे साथियों 4 फैक्टोरियल साथियों यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 साथियों। ठीक है अब हम क्या लिखेंगे हम 1 फैक्टोरियल हमारा सही 1 फैक्टोरियल का मतलब तो है नहीं साथियों क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है 1 है, मल्टीप्लाई पर साथियों क्या जाएगा 1 आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक है साथियों साथियों ये दिया गया हम साथियों यहाँ पे क्या लिखेंगे 48 मल्टीप्लाई बाय साथियों क्या जाएगा 47 मल्टीप्लाई बाय साथियों 46 मल्टीप्लाई बाय 45 साथियों मल्टीप्लाई बाय 44 अपन साथियों हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे 44 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साथियों क्या जाएगा 1 आ जाएगा। साथियों देखिए यहाँ पर साथियों क्या है 3 नहीं है, साथियों क्या है हमारा 1 है, बाय मिस्टेक हमने 3 कर दिया था, वैसे ही सेम 3 करने के बाद 1 आ जाएगा, कितना जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 साथियों अरे सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है साथियों क्या हो जाएगा कैंसिल साथियों आप दिखाओ आप गौर करिए यहाँ पे हमें बहुत कैंसिल करना है साथियों मल्टीप्लाई का साइन रहेगा 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा साथियों। ठीक है फैक्टोरियल लगाना भूल गए थे। ठीक है साथियों कैंसिल हो जाएगा बचा सकते साथियों 4 × 4 साथियों क्या साथियों 4 × 4 4 × 2 = 8 हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों देखिए 3 × 3 ये 12 जाएगा 4 × 3 = 12 होता है। ठीक है साथियों साथियों देखिए और कोई डिवाइड हो रहा है हाँ ये हो रहा है 2 × 2 होता साथियों 2 × 2 साथियों होगा 4 हो जाएगा 3 बार में साथियों। ठीक है साथियों साथियों हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी का हम यहाँ पे साथियों क्या लिखेंगे अब हम ब्लू से करते हैं। ठीक है साथियों हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों देखिए 4 × 47 ठीक है साथियों साथियों क्या करते हैं इस 4 का अभी हम सेम उतार देते हैं जो बच रहा है हमारा। ठीक है 4 × 47 × 23 मल्टीप्लाई में साथियों क्या जाएगा 45। ठीक है साथियों ये हमारा बचा हुआ है और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या जाएगा साथियों देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 साथियों क्या जाएगा 4 साथियों हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले साथियों आप ऊपर का लोड कर लीजिए मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ। ठीक है साथियों साथियों हमारा जो बचा है उसको फटाफट नोट कर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है साथियों फटाफट से कितना होगा साथियों 16 होगा कितना होगा 16। ठीक है साथियों ये हमारा फटाफट सॉल्व हो चुका है साथियों अब क्या करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 47 मल्टीप्लाई साथियों क्या कर देंगे 23 साथियों कितना आ जाएगा साथियों साथियों 3 × 3 = 21 आ जाएगा 2 कैरी ओवर साथियों। ठीक है 3 × 4 = 12 13 × 14 साथियों। ठीक है 7 × 2 साथियों कितना जाएगा 14
वन कैरी और फोर प्लस साथ ही एट आ जाएगा, नाइन साथ ही हो ठीक है, वन की वन एट की एट किया जाएगा टेन जीरो ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे साथियों, किसका मल्टीप्लाई किया था 47 और 23 का मल्टीप्लाई किया था साथियों। एक काम करते हैं अपन, क्या लिखते हैं पूरा डायरेक्ट लिख देते हैं 47 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय साथियों 45 ठीक है साथियों, 1 2 3 साथियों, 1 ये 16 हो गया था, बाकी तीनों में क्या करा सेम उतार दिया ठीक है साथियों। साथियों देखिए साथियों, अब हम क्या करते हैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, अगर आप चाहें तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आप आंसर आपका सेम ही आएगा ठीक है साथियों, 7 7 8 3 2 0 ठीक है साथियों। ये साथियों हमारा लेक्चर नंबर 34 साथियों यहाँ पे कंप्लीट होता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। और साथियों जो भी हमारा लेक्चर पहली बार देख रहा हो जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए साथियों, हमने इसकी सारी सीरीज अपलोड की है ठीक है साथियों। धन्यवाद साथियों।